ये वाला व्लॉग बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. टेप लगी है मैंने नहीं इसको. लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन दीस डेज. इट्स रिटन हेलो ब्यूटीफुल. एम आई ब्यूटीफुल? मैं कोई व्यूअर्स या उस सब्सक्राइबर्स या फॉर अर्निंग आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज आई लव टू डू इट. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस. हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग. आज है सैटरडे और मैं आज एकदम फ्री हूँ. आई एम फ्री लाइक अ बर्ड टुडे. तो ये वाला व्लॉग बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था बिकॉज मेरे दो बैग्स आ चुके हैं और मुझे आप लोगों के साथ ही उन्हें अनबॉक्स करना था बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था. सो टुडे इज द डे और हमारे वेकेशंस भी आने वाले हैं. लाइक आई वॉज टॉकिंग फ्रॉम मेनी डेज इन वेकेशंस के बारे में. तो नेक्स्ट वीक हम संडे को वेकेशंस पे जा रहे हैं और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. और ये सारा प्लान करा है मैंने ऑफ कोर्स मेरे पति के लिए बिकॉज उसका बर्थडे है 1st जुलाई का. तो सारी अरेंजमेंट्स करी है. सो लेट्स अनबॉक्स. मुझे उन वेकेशन से पहले आप सबको अपने बैग्स दिखाने थे जो कि मैंने बिस्तर से इस बार शॉपिंग नहीं करी बिकॉज मुझे बिस्तर में नहीं समझ आया कोई भी बैग. सो मैं ऑनलाइन परचेज कराया मैंने और एक बैग मैंने लास्ट टाइम बिस्तर से लिया था बट मैंने दोनों ही अनबॉक्स नहीं करे तो मैं आज करी. सो गाइस, ये बैग है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया टॉरी बर्ज से और ये वाला बैग है जो मैंने लास्ट टाइम बिस्तर विलेज से परचेज करा था. तो आज इन दोनों ब्यूटीज को अनबॉक्स करेंगे. इससे पहले मैं करती हूँ ये वाले बैग की अनबॉक्सिंग. ये मैंने जो रिसेंटली ऑनलाइन परचेज करा है और इसका बैग इतना ब्यूटीफुल है. जस्ट सी कितना ब्यूटीफुल पैकेज है. ये एक बॉक्स में आया था गाइज, वो मैंने फेंक दिया है, डिस्पोज कर दिया है. तो इसको ओपन करते हैं गाइज. इट्स लाइक दिस. ओह वाओ, इसमें एक क्यूट सा लेटर है. पहले इसको ओपन करेंगे. इस पे टॉरी बर्ज का साइन है एक बहुत प्यारा सा. लेट्स ओपन इट. ओके, हेलो ब्यूटीफुल. इट्स रिटन हेलो ब्यूटीफुल. एम आई ब्यूटीफुल? लेट्स सी द बैग. एंड दिस इज द बैग गाइस. मुझे बहुत टाइम से ये बैग चाहिए था और बिस्तर में इसका कोई भी कलर नहीं था. मुझे स्पेसिफिकली यही कलर चाहिए था और ईशान को भी ये कलर बहुत पसंद है. ही लव्स पेस्टल कलर्स. और काफ़ी स्पेशियस है ये अंदर से भी. और इसका ओपन करने के लिए मैग्नेटिक है, ऐसे मैग्नेट है. एंड अंदर दो पार्टीशंस हैं. इट्स अ ज़िप और आप इसे साइड से भी बड़ा कर सकते हो. ये इसमें ऐसे बटन्स लगे हैं साइड्स में तो ये बड़ा बन जाएगा ऐसे. यू विल ओपन इट. एंड फ्रंट में इसका ऐसे साइन लगा हुआ है टॉरी बर्ज का ही. और आप ऐसे इसमें क्यूट क्यूट स्टफ रख सकते हो, अपना छोटू मोटू कुछ भी. सो या दिस इज द बैग. एंड गाइस, क्वालिटी इज ऑल्सो ऑसम. बहुत ही प्यारा है और इसका जो कलर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. इट लुक्स वेरी क्लासी. बिस्तर में गाइज इसका छोटा वर्जन था, मतलब मुझे बड़ा बैग चाहिए था बट वो छोटू था तो इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया था. दूसरा पॉइंट, वहाँ पर जो वो छोटा बैग था वो ज़्यादा कॉस्टली था और था सेम ही. तो मैं आपको, जैसे मैंने अपने लास्ट बिस्तर वाले व्लॉग में भी बताया कि बिस्तर में हमेशा ही आपको डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं मिलता है. कभी कभी आपको ऑनलाइन भी चीज़ें डिस्काउंटेड मिल जाती है और बिस्तर में वो चीज़ें महंगी होती है. सो या नाउ लेट्स अनबॉक्स दिस ब्यूटी. ये मैंने लास्ट टाइम लिया था बिस्तर से और ये ऐसा है. और इसमें सी अभी भी टेप लगी है, मैंने नहीं इसको ओपन करा है. ऑलरेडी आई थिंक 3-4 months हो गए हैं. इसमें लगी है टेप तो मैं सबसे पहले इसकी टेप कट करती हूँ. एंड दिस इज माय बैग. और गाइस, जितनी खुशी मुझे सब सामान लेने में होती है ना उतना ही आलस मुझे अनबॉक्सिंग में आता है. मुझे पता नहीं क्यों अनबॉक्सिंग पसंद नहीं है. एंड ये इसका बैक साइड है एंड
दिस इज द फ्रंट. जस्ट लुक एट दिस प्रिटी. बिस्तर में ना बस सैम्पल पीसेस लगे होते हैं, तो मैंने उन सैम्पल पीसेस में से आपको चूज करना होता है, तो मैंने ये चूज करा था. बट मैं अभी खुद से इसको अभी देख रही हूँ. सो नाइस. अंदर से ये ऐसा है, कितना, इट्स वेरी नाइस. ये एक स्लिंग बैग है गाइस. ये नॉर्मल वो वाला बैग, मैंने एक शोल्डर बैग लिया है और ये स्लिंग बैग है. इसमें यहाँ अंदर जिप है, दो पार्टीशंस है ऐसे, एंड ये ऐसे क्लोज होता है. ये भी मैग्नेटिक है. और यहाँ पर ये ऐसे इसकी चेन है, और ये बैक में इसके ऐसे फ्लैप वाला एक. मैं ये भी हटा ही देती हूँ. जस्ट लुक, ये स्लिंग बैग है. ये पीछे इसके लेदर है, ये फ्लैप, और साइड्स में इसके ये स्वेड है सारा. काफी अच्छा है, बहुत ही सुंदर है. आई लव इट. सो गाइज, ये दोनों बैग्स मैंने लिए थे टॉरी बर्च से, और ये मेरे फर्स्ट बाय है. मैंने इससे पहले कभी भी टॉरी बर्च यूज़ नहीं करा है. लेट्स सी कैसा स्टफ है, कैसी क्वालिटी है, ये मुझे यूज़ करके पता लगेगा. गाइज, अब मैं चलती हूँ और थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेती हूँ, बिकॉज वीकेंड पर ही टाइम मिलता है, वीकडेज में टाइम नहीं मिलता. और ये लास्ट वीकेंड है, मतलब इसके नेक्स्ट वीकेंड ऑन संडे हमारी फ्लाइट है, तो मेरे पास सिर्फ आज का ही दिन है, आज और कल का दिन है कि मैं अब सेटल डाउन कर लूँ सारा, बिकॉज वीकडेज थोड़े हेक्टिक होते हैं और आजकल थोड़ा बिजी चल रहा है मेरा स्केड्यूल. मैं इवनिंग में पिलाटीज भी जाती हूँ, और आफ्टरनून में वर्क होता है, फिर घर का काम भी करना होता है. सो इट्स लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन दीज डेज. अच्छी बात है, मतलब होनी चाहिए चीज़ें. मेरे को ऐसे घर पे बैठना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, कि आई फील सो डिप्रेस्ड घर पे बैठकर. और यहाँ पर तो वैसे ही कुछ भी नहीं है करने के लिए. सो हाँ, मैं अपने आप को हमेशा बिजी रखती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ. और आजकल मैंने ये न्यू चीज़ स्टार्ट करी है, ब्लॉगिंग, तो येस, आई एम इंजॉइंग इट. मैं कोई व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स या फॉर अर्निंग आई एम नॉट डूइंग दैट, बिकॉज आई लव टू डू इट, दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस. So yes, show some love guys. See you in my next vlog now. Bye bye. Take care.